तो गाइस अभी लैपटॉप की जो सबसे अच्छी है शॉप है यहाँ पे अबू धाबी में, ये जम्बो है। यहाँ पे अभी आते हैं, चेक करते हैं हमारे चार्जर को क्या हुआ है, चलेगा नहीं चलेगा। लोकेशन आपको थोड़ी ऐसे बता रहा हूँ, हमदान स्ट्रीट है, जम्बो है, गिफ्ट स्टैंड है, साथ में क्राउन प्लाजा है। तो चलते हैं देखते हैं कि लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम है चार्जर में। वेलकम बैक व्यूअर्स, अभी हम मौजूद हैं यहाँ पे जम्बो में अबू धाबी में। तो क्योंकि डेल का मैं आपको बताया था जिस तरह मेरा थोड़ा चार्जर प्रॉब्लम कर रहा था, उसको रिप्लेसमेंट करने आया था। काफ़ी अच्छी शॉप है, यहाँ पे दो दोस्त मिले सब्सक्राइबर हैं अपने। अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस, एवरीवन, हाउ इज गोइंग। भाई से मिले, अच्छा लगा। तो हमें नहीं पता था कि हमारे सब्सक्राइबर यहाँ पे भी अवेलेबल होंगे, तो उन्होंने मुझे चार्जर एक दिया, उसके पैसे भी नहीं दिए और बल्कि चेक करके दिया। तो थैंक यू भाई, अपना नाम बता दें। तौसीफ़। ये तौसीफ़ भाई हैं। मोहम्मद आशिफ। ये दोनों बहुत अच्छे हैं। आप भी अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी चीज़ चाहिए, लैपटॉप या कुछ भी एक्सेसरी चाहिए, आप यहाँ पे जम्बो पर आदमी विजिट करें। जम्बो इलेक्ट्रिक स्टोर है अबू धाबी में। लोकेशन अभी भी, अगर आपको लोकेशन समझ नहीं आई, जम्बो है, साथ में अभी बैंक लिमिटेड है पाकिस्तान का। तो काफ़ी ईजी लोकेशन है। काफ़ी टाइम से मैं ढूंढता रहा कि यार कहाँ पर मुझे मिलेगी, अभी तक मिल नहीं रही थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है इलेक्ट्रिक शॉप लैपटॉप के लिए। तो इस एरिया में हमदान स्ट्रीट में आपको जो सबसे कॉमन और सबसे वीआईपी शॉप मिलेगी और यही है जम्बो। आपको फर्दर अपडेट देते चलें कि अभी चार्जर ठीक है, उसमें सिर्फ ये 3 एम्पेयर का फ्यूज़ है, ये जल चुका है और उन्होंने हमसे कोई चार्जेस नहीं लिए। लेकिन ये आपको मैंने दिखाया कि वहाँ पे दो दोस्त थे जो हमारे सब्सक्राइबर मिल गए थे, तो उनके कहने पर आप चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, ये काफ़ी हैप्पी मूमेंट होता है, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड मूमेंट था कि आपको एक अननोन जगह पर कुछ ऐसे लोग मिल जाएँ जो आपको पहले जानते हों, और इस वजह से उन्होंने पैसे भी नहीं लिए। थैंक यू भाई जान आप दोनों का। तो फाइनली हमें मिल चुका है, 3 एम्पेयर का चाहिए था तो 5 एम्पेयर का मिल लगा है। अभी 3 एम्पेयर की जगह 5 एम्पेयर का चलता है नहीं चलता मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन शॉप वाले कहते हैं कि यार चल जाएगा, 13 एम्पेयर का भी चल जाएगा। तो मैं काफ़ी शॉप से पीछे नहीं दिया, मैंने कहा यार नहीं, मुझे 3 एम्पेयर का ही चाहिए। ये क्या है जो पावर सप्लाई है उसके प्लग में लग रहा है। तो ये शॉप है मेरे पीछे, आप देख रहे हैं, यहाँ से मुझे मिला। अभी जाके चेक करेंगे इसको, लैपटॉप हमारा चलता है नहीं चलता क्या है। ये इलेक्ट्रा स्ट्रीट है, अब तो मैं इलेक्ट्रा स्ट्रीट दिखा देता हूँ। यहाँ पे हॉलीडे इन होटल है, आपको नज़र आ रहा होगा वो सामने हॉलीडे इन, और ये इलेक्ट्रा स्ट्रीट। अभी आ गए हम मदीना ज़ैद पे, तो यहाँ से आगे जाकर शॉपिंग करनी है। क्या शॉपिंग करेंगे वो भी आपको बताऊंगा और उसकी ओपनिंग करके भी आपको दिखाऊंगा। अभी हम ये लेने लगे हैं, आपके सामने स्कूटी है, अबू धाबी में घूमने के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी, जाके चेक करते हैं इसकी प्राइस कितनी है और फिर ये जाके इनसे कुछ तब्दील करते हैं और लेते हैं। आप ये थोड़ा खास भी इनको दिखाएँ, काफ़ी लग्जरी टाइप है, और अगर ये काफ़ी अच्छी रही तो इसको हम पाकिस्तान कार्गो कर देंगे। अभी हम चलते हैं शॉप, आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे मिडिल ईस्ट बाईसाइकिल ट्रेडिंग है, इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कितने की है, क्या प्राइस है और इसका वेट कितना है, अगर पाकिस्तान भेजेंगे तो पता चलना चाहिए कितने की। पता करते हैं भाई, 2300 का। इसका वेट कितना है, इसका वेट कितना है, सर्विस करेंगे और भी कहीं पे, तो ये 2300 का है, 2 सीटर है, 40 kg वेट है। तो अभी इसको मैं थोड़ा आपका स्क्रीन वगैरह दिखा देता हूँ। ये पूरा हैवी बाइक की लुक आपको दे रहा है, सामने इसकी एक बड़ी लाइट है, सामने हॉर्न इंडिकेटर है, इसके साथ कीलेस एंट्री है, डबल सीटर है। ये इसका मीटर भी देखें, मीटर भी है, यहाँ पर पुश स्टार्ट बटन है। तो ये इसका एक रिव्यू था। अभी हम खाना खाने के लिए आए हैं शाही तड़का, न्यू रेस्टोरेंट है, आपको इसका रिव्यू देंगे। हमने क्या ऑर्डर दिया जी? हमने ऑर्डर दिया है दाल मखनी और मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई, तो यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, जो सबसे स्पेशल चीज़ है इनकी? साग। साग है, लेकिन साग आज क्यों नहीं हमें मिला? वो इनकी वीकेंड का, फ्राइडे का वीकेंड। तो व्यूअर्स, ये लाहौर का रेस्टोरेंट है, यहाँ पे अबू धाबी में है, तड़का देसी तड़का। यहाँ पे आप आए, इनकी जो स्पेशल चीज़ है जैसे आपको बताया साग है और इनकी निहारी है, लेकिन वो वीकेंड पे फ्राइडे में है। तो आज हमने मटन कढ़ाई इस्माइल भाई ने ऑर्डर किया है, साथ में दाल मखनी ऑर्डर की है और साथ में हमने सीख कबाब ऑर्डर किए हैं। अब जैसे हमारे ये डिशेज़ आती हैं तो हम टेस्ट करेंगे और आपको बताएँगे कि इनका टेस्ट कैसा है। और आज का एक और फूड ब्लॉग है, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक करें, मज़ीद ऐसे फूड ब्लॉग आते रहते हैं अबू धाबी के। अगर आपने अबू धाबी में खाने खाने हैं पाकिस्तान के अच्छे खाने, देसी खाने, प्योर पाकिस्तानी स्टाइल में, तो आपको चैनल पे और भी वीडियो मिलेंगी।
पे कैसा लगा आपको टेस्ट? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा। फाइनली डिनर ख़त्म हो चुका है, बहुत अच्छा टेस्ट था, दाल मखनी साथ मटन था। तो लोकेशन वगैरह मैं आपको बता दी है, आप मदीना ज़ैद के बैक साइड पे आएंगे तो सिग्नल के पास है देसी तड़का। विकास भाई खाना कैसा था? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टेस्ट। इस्माइल भाई हमें इस्माइल भाई लेके आए यहाँ पे, तो पहले हमें लेके गए थे अफगान दरबार के काबिल अफगान पे, उसका खाना भी। सोफी पर अभी आपको एग्जैक्ट लोकेशन के लिए मैं बाइसे कहता हूँ, आपको बता देते हैं। खाना आपने ट्राई किया, हमें बहुत मज़े का लगा, पाकिस्तानी बिल्कुल देसी ट्रेंड था, देसी टेस्ट था। तो भाई से आपको लोकेशन बताते हैं, थोड़ा लोकेशन बता दें हमारे व्यूवर्स को। जी अस्सलाम वालेकुम, ये लोकेशन अबू धाबी सिटी के अंदर मदीना ज़ैद में वेयर मार्ट की बैक साइड पे है। और टाइमिंग क्या है आपकी? टाइमिंग सुबह 7 से लेके रात को 11। ये दूसरा रेस्टोरेंट है जहाँ पे इस्माइल भाई लाए, नेक्स्ट टाइम आगे हम कुछ और चीज़ ट्राई करेंगे। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट्स में हमें लाजमी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। सब्सक्राइब नाउ।